हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए जान लेते हैं कि किस प्रकार से हम सर्च बॉक्स बना सकते हैं। और ये वीडियो मैंने पहले भी बनाई है, लेकिन ये वीडियो सिटी को लेकर के है कि सिटी के लिए हम कैसे सर्च बॉक्स क्रिएट करेंगे कि हम सिटी के बेस पे सर्च कर पाएं। ठीक है, तो पहली वाली वीडियो लास्ट नेम को लेकर थी, तो लगभग उसी पैटर्न पर हम काम करेंगे। सबसे पहले देखिए, ये हमारे पास एक हमने टेबल बना रखी है जिसमें आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सिटी रखी हुई है। ठीक है, आप चाहे तो इसमें और भी इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, क्रिएट पे चलना है और यहाँ से ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से डिजाइन व्यू चूज कर लेना है आपको। और यहाँ पर इस फॉर्म में हम एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करेंगे, तो यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स चूज करते हैं और यहाँ से इसको ड्रैग करवा लेते हैं। ये आ गया टेक्स्ट जीरो, तो हम यहाँ पर टेक्स्ट जीरो नहीं रखेंगे, हम यहाँ पे एक नाम दे देते हैं, एक लेबल दे देते हैं जिसका नाम है सर्च। तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे, तो इसको हमने नाम दे दिया सर्च। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये हम अगर ऑल पे जाते हैं और ये इवेंट पे जाते हैं पे, तो यहाँ पर नेम जो आ रहा है वो टेक्स्ट जीरो आ रहा है। हमें यहाँ पर टेक्स्ट जीरो नहीं रखना, हम यहाँ पे रखेंगे सर्च बॉक्स, क्योंकि हम सर्च बॉक्स बना रहे हैं, तो यहाँ पे हमने नेम रख लिया सर्च बॉक्स। ठीक है, अब यहाँ पर नेम सर्च बॉक्स हो गया। हम इस जो सर्च बॉक्स हमने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लिया था जिसमें हमने सर्च लिखा हुआ है, और ये जो अनबाउंड टेक्स्ट बॉक्स है जिसको हमने नाम दिया सर्च बॉक्स, तो इसको हमको सेव करना है इस फॉर्म को। तो यहां से हम सर्च बॉक्स बना रहे हैं, तो सर्च एफ के नाम से इसे सेव कर लेते हैं। सेव कर लिया, तो ये हमारा सेव हो गया। अब हमको यहाँ पे लिस्ट बॉक्स क्रिएट करना है, लेकिन लिस्ट बॉक्स क्रिएट करने के पहले हम क्वेरी बनाएंगे। तो यहाँ से क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे और यहाँ से ऐड करवा लेंगे इसको, और इन सारे फील्ड्स को हम यहाँ पे ले लेते हैं। ये ड्रैग करा के यहाँ पे ले लीजिए आप इसे, और अब हमें यहाँ पे सिटी के बेस पे सर्च करना है। ठीक है, तो सिटी के बेस पे हम कैसे सर्च कर पाएंगे, सेम तरीका आपको यूज करना है। हम चाहते हैं कि एग्जैक्ट सिटी का नाम ना आए, उससे मिलते जुलते हैं, तो आपको यहाँ लिखना है लाइक। ठीक है, डबल डॉटेड कॉमा में एस्ट्रेक का सिंबल देना है आपको, एस्ट्रेक का सिंबल लिखा, इसके बाद आपको लिखना है एंड। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्म से सर्च करेंगे हम, तो फॉर्म्स। ठीक है, और किस फॉर्म से सर्च करेंगे, तो यहाँ पे लगा दिया हमने एक्सक्लेमेशन मार्क। और किस फॉर्म से सर्च करेंगे, हमारे फॉर्म का नाम है सर्च एफ। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ऊपर में हमने सर्च एफ के नाम से ही फॉर्म को सेव किया है, तो हम यहाँ पे दे देंगे सर्च एफ। ठीक है, ये दे दिया, अब सर्च एफ दे दिया हमने, सर्च किस में होगा, सर्च बॉक्स में होगा, तो यहाँ पे जो सर्च बॉक्स हमने नाम दिया था वही नाम यहाँ पर हम दे देते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पर एंड जो लगाया था उसे लगा दिया, और यहाँ पर हैशटैग का जो सिंबल दिया था हमने वो दे देते हैं। तो ये दे दिया हमने, अब इसको सेव करने की बारी है। इसको किसी भी नाम से आप सर्च कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक नाम दे देता हूँ, सर्च क्यू क्वेरी है, सर्च क्यू कर दिया मैंने और इसको सेव कर दिया। अब यहाँ से हमको आ जाना है बाहर। ठीक है, और अब हमको लिस्ट बॉक्स बनाना है, तो हम चलेंगे डिजाइन पे और यहाँ से हम लिस्ट बॉक्स चूज करेंगे। ये लिस्ट बॉक्स हमने ले लिया और यहाँ से इसको ड्रैग करवाएंगे, तो ये हमारा लिस्ट बॉक्स बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे लिस्ट टू आ रहा है, चलिए उसको सही करते हैं। अभी यहाँ पे हम क्वेरी को लेंगे, तो ये क्वेरी हमने बना रखी है सर्च क्यू के नाम से, इसी को हम ले लेते हैं। और ये सारे फील्ड्स हमें चाहिए, तो यहाँ पे, और अगर आप किसी को पहले देखना चाहते हो तो चले सिटी को ले लेते हैं, क्योंकि हमें सिटी के भी बेस पे हमें सर्च करना है। सिटी ले लिया हमने, ठीक है, और इसको आईडी को हाइड कर देते हैं हम। ठीक है, और यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ओके प्रेस करेंगे, और ये ओके कर दिया हमने। तो ये फर्स्ट नेम, ये जो लेबल है इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं, और अब इसको थोड़ा सा ड्रैग करके इधर लेके आते हैं। ये हमारा लिस्ट बॉक्स बन करके तैयार है, यहाँ लिस्ट टू नाम आ रहा है। ठीक है, सर्च लिस्ट हम इसे कर देंगे, सर्च लिस्ट, ओके तो ये कर दिया हमने। और यहाँ से अब इसको सेव करने की बारी है, तो ये सेव भी कर लिया हमने। अब चलिए आइए देखते हैं यहाँ से ये जो क्वेरी हमने बनाई है इसमें थोड़ी सी गलती हुई है, ये देख लेते हैं कहाँ गलती है। यहाँ पर एस आ गया है, इसको हटा लेते हैं यहाँ से, ये हट गया। अब इसको सेव कर लीजिए, देन अब इसको क्लोज कर दीजिए, क्लोज कर दिया, और इसको एक बार रिफ्रेश भी कर देंगे हम। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर तमाम वो नाम जो कि हमने लिए थे वो आ गए हैं। अब मान लीजिए हमें बी से सर्च करना है बस्ती, तो यहाँ बी लिखा, हमने एंटर प्रेस किया, तो बी यहाँ पे देखिए
अभी ये काम नहीं कर रहा है हमारा, काम कैसे करेगा वो समझ लेते हैं। तो ये जो सर्च फॉर्म है यहाँ पर हमको आना है, डिजाइन व्यू पे आ जाते हैं, तो ये देख सकते हैं इसको हमने सेलेक्ट कर रखा है, लेकिन अभी हम सर्च जो करेंगे वो सर्च बॉक्स में जाके करेंगे। तो ये इसको आपको सेलेक्ट रखना है और आ जाना है कहाँ, प्रॉपर्टी शीट पर। प्रॉपर्टी शीट पर आने के बाद आपको कहाँ आना है, आपको आना है तो आपको सर्च बॉक्स वाला ये अनबाउंड इसको सेलेक्ट रखना है और आना है इवेंट पे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आफ्टर अपडेट दिया हुआ, यहाँ पर आप थ्री डॉट्स जो बने हुए इस पर क्लिक कर दें, कोड बिल्डर पर क्लिक कर दें, तो यहाँ से ओके प्रेस कर दें, तो ये इस तरीके का आपके सामने विजुअल बेसिक वाला विंडो खुल करके आ जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिंपली लिख देना है सर्च लिस्ट, क्योंकि आपने यही नाम दिया था उस वक्त जबकि आप इसे सेव कर रहे थे अपने सर्च लिस्ट को, ठीक है। तो सर्च लिस्ट डॉट यहाँ पे कर देते हैं रीक्वेरी, रीक्वेरी, तो यहाँ पर रीक्वेरी आ रहा है, इसको हम यहाँ से ले लेते हैं। तो ये हमने ले लिया, अब इसको सेव कर देना है यहाँ से, तो ये हमने कर दिया सेव। अब इसको क्लोज करता हूँ यहाँ से, ओके। अब ये क्लोज कर दिया हमने और यहाँ से अब क्लिक करेंगे इस पर, ठीक है। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे बी हमने सर्च किया है, तो बस्ती वाला नाम जो है यहाँ पे शो हो रहा है। अगर मैं ए एस टी आई सर्च करता हूँ और एंटर करता हूँ तो सिर्फ हमें बस्ती वाला ही नाम दिखाई पड़ेगा। इसमें थोड़ा हम कलरफुल इसे बना लेते हैं, यहाँ से ये जो पार्ट है इसको हम कलरफुल बनाएंगे। यहाँ से कोई सा कलर हम चूज कर लेते हैं, ये वाला कलर ठीक रहेगा, इसको चूज कर लेते हैं। और अब यहाँ पे देख सकते हैं ये बस्ती वाला ही सिर्फ हमें हाईलाइट हो रहा है। अब यहाँ से डी प्रेस करता हूँ, जैसे हम डी वाले सिटीज का नाम देखना चाहते हैं, तो यहाँ से देख सकते हैं सिर्फ डी वाले सिटीज के ही नाम आ रहे हैं आपके सामने। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ रही होगी। अगर मान लीजिए आपको क्योली सर्च करना है तो यहाँ पे ई एल क्योल इतना ही लिखिए उसका नाम, सॉरी दिल्ली वाला जो स्टूडेंट है उसका नाम यहाँ पे सर्च होकर आ जाएगा और उसकी सिटी के आधार पर सर्च होकर आ जाएगा। तो ये वो तरीका है, मल्टीपल क्राइटेरिया हम कैसे यूज करेंगे, मल्टीपल एक साथ हम कैसे मल्टीपल चीजों को सर्च करेंगे, वो भी वीडियो में जल्दी डाल दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आई होगी कि कैसे इसको करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।